गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पदावली चार की व्याख्या को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निसदिन, काल ब्याल सुबाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधन लाल सु भक्ति रसीली जाची। आइए व्याख्या को समझते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, यहाँ राची का अर्थ होता है रंग जाना। मीरा बाई कहती हैं कि मैं तो सांवले अर्थात श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, मीराबाई कहती हैं कि मैंने सज सवर कर श्रृंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज तज नाची, लोक लाज अर्थात लोक लाज को या संसार के मर्यादा को, तजी अर्थात त्याग कर, और मैं इस संसार की मर्यादा को त्याग कर या लोक लाज को त्याग कर नाचने लगी हूँ। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, कुमती कुमती का अर्थ होता है दुर्बुद्धि, मेरी दुर्बुद्धि साधुओं की संगति में रहने के कारण नष्ट हो गई है। भगत रूप भई साची, साची अर्थात सत्य रूप में, और मैं सत्य रूप में भगवान की भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निसदिन, काल ब्याल सु बाची, गाय गाय अर्थात गा गा कर, निसदिन अर्थात दिन रात, मैं दिन रात श्री कृष्ण के गुणों को गा गा कर, काल ब्याल सु बाची, काल ब्याल अर्थात काल रूपी सर्प, काल रूपी सर्प या फिर जन्म मरण का चक्र, बाची अर्थात बच गई हूँ। मैं दिन रात श्री कृष्ण के गुणों को गा गा कर काल रूपी सर्प से बच गई हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीराबाई जी कहते हैं उन अर्थात उनके बिना या श्री कृष्ण के बिना, खारो खारो अर्थात सूना, कांची अर्थात कच्चा या व्यर्थ। मीराबाई कहती हैं कि उनके बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना मुझे यह सारा संसार सूना प्रतीत होता है, और सभी बातें मुझे कच्ची अर्थात व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधन लालसु भक्ति रसीली जाची, मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति ही मुझे रसीली अर्थात रस से युक्त या आनंददायक प्रतीत होती है। अर्थात मीराबाई जी कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति से ही मुझे आनंद प्राप्त होता है, संसार की अन्य किसी वस्तु से नहीं। अब हम पांचवी पदावली की व्याख्या को देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आप नो ने कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्ति देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं, और श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में दूसरा कोई भी मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है मेरा पति वही है, अर्थात मेरा पति तो सिर्फ मोर मुकुट को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। तात मात भ्रात बंधु आप नोना कोई, मीराबाई जी कहती हैं कि तात अर्थात पिता, मात अर्थात माता, भ्रात अर्थात भाई, बंधु अर्थात मित्र,
आपनो अर्थात अपना। मीरा बाई जी कहती हैं कि पिता, माता, भाई या मित्र कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की काने, कहा करी है कोई। छाड़ी दई अर्थात छोड़ दिया है, कानी अर्थात मर्यादा को। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है या त्याग दिया है, कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा या अब मेरा कोई क्या करेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं मैंने साधु संतों के पास बैठ बैठ कर या साधुओं की संगति में रहकर लोक लाज खोई, लोक लाज को मर्यादा को खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम रूपी बेल को बोया था। अर्थात आंसुओं के जल से सींचने का मतलब है कि मैंने बहुत कष्ट सहन करके श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाया है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मीराबाई जी कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल बहुत अधिक फैल गई है, अब इस पर आनंददायक फल लगने वाले हैं। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मुझे तो श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर अर्थात हे श्री कृष्ण, अपनी इस दासी का अब तो उद्धार कर।